खालिद बिन वलीद कहता है इस टोपी में जुल्फ़ मुस्तफा का बाल है। तो कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्ले मा आमनतुम बिही फ़क़द तदाउ, फरमार ऐरे गैरे अंदाज का ईमान और अकीदा हमारे दरबार में कबूल नहीं। ईमान और अकीदे का वो स्टाइल कबूल है जो मेरे यार के सहाबा का है। जिनके ईमान को रब ने मॉडल बनाया है वो तो नबी की जुल्फ का बाल सर पे रखते हैं और ये यकीन रखते हैं कि नबी की जुल्फ का बाल फतह के लिए वसीला बन के आता है। फिर भी किसी को शक हो तो फिर कुरान उठाइए। अहले सुन्नत का कीदा को मेड इन बरेली नहीं, ये मेड इन मदीना है। हर हर बात हर हर अकीदे की शिक पर कुरान की भी मोहर है, मुस्तफा के फरमान की भी मोहर। आपको पता होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब उनके पास पहुंचे पूछा मेरे अब्बा का क्या हाल है, पूछा जी आपके हिजर में रो रो के नाबीना। उलमा की पूरी जमात बैठी है, किसी आलम से पूछ लें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न इंजेक्शन दिया न ट्यूब दी न टेबलेट दी, फरमा इस हबूब कमीसी हाजा फलकूह अला वजह अभी जाते बसीरा, फरमा मेरी कमीज ले जाओ मेरे अब्बा की आंखों पे डालना तुम्हारा काम है, गई हुई नजर को लौटाना रब्बे जिल जलाल का काम है। अरे मेरा सवाल है पढ़े लिखी दुनिया से रब को 1,24,000 अंबेजा के किस्सों में से और कोई किस्सा मिलता नहीं था इस कमीज के सिवा, और कोई किस्सा नहीं रह गया था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज का तज़किरा फरमा दिया। मेरा विजदान जो कहता है मेरा रब दुनिया को जेनुइन तौहीद असली तौहीद सच्ची तौहीद सुच्ची तौहीद रब वाली तौहीद बताना चाहता है कि नबी की जात बुलंद है, बेशक सारी ताकतों और कुदरतों का मालिक रब है, लेकिन जो ताकतों का मालिक है उसने नबी के कुर्ते में भी शफा रख दी है। पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं, कमीज भेजने वाले सैयद मुश्ताक शाह साहब नहीं, मौलाना रमजान साहब नहीं, मौलाना जावेद अहमद खारा साहब नहीं कि कह दें जो बरेलवी हैं, कमीज भेजने वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। और जिक्र किसी उर्दू डाइजेस्ट में नहीं, आला हजरत फाजिल बरेली की किताब में नहीं, रब के कुरान में है। कमीज चली कहां से, मिस्र से। याकूब अलैहिस्सलाम बैठे हैं किनान में, सैकड़ों मीलों का फासला है। लोग कहते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को तो पता ही नहीं था बेटा किस हाल में है, कमीज मिस्र से चलती है, याकूब अलैहिस्सलाम के नाम में बैठे हैं। फरमाते हैं इन्नी लाजदरी यूसुफ लौला अन तुफन्नदून, ओ हवारियो अगर मेरा मजाक ना उड़ाओ तो आज मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अभी कमीज पहुंची नहीं, पहले फरमाया ये गैब नहीं तो क्या है, फरमाया इन्नी यकीनन में लाजदरी यूसुफ, और मेरा कलमा पढ़ने वालों आज मुझे बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है। जब कमीज पहुंची तो याकूब अलैहिस्सलाम अगर दूसरे टाइप के अकीदा रखने वाले होते तो कहते ले जाओ मैं तो अल्लाह से शफा मांगूंगा, जो गैर अल्लाह से शफा मांगे वो तो मुशरिक है, ले जाओ इसको, ये नहीं कहा। मालूम जो होता है जो अकीदा यूसुफ अलैहिस्सलाम का था वही अकीदा याकूब अलैहिस्सलाम का था। कुरान कहता फलम्मान जाल बशीरो अलकाहु अला वजह ही फरतद्दा बसीरा, जब कमीज पहुंची याकूब अलैहिस्सलाम के पास इनकार नहीं किया कि ये कमीज तो गैरुल्लाह की है, यूसुफ के जिस्म से लगने वाली कमीज क्या शफा दे सकती है, शफा तो रब देता है। मालूम जो होता है याकूब अलैहिस्सलाम का अकीदा ये था असल में शफा देने वाला रब है, लेकिन जिस रब ने गोलियों में शफा रखी है उसने मेरे बेटे के कुर्ते में भी शफा रख दी है। क्या किया, कमीज को डाला आंखों पे, दुनिया को बता दी असली तौहीद ये है, रब की जात तो बड़ी बुलंद है, रब ने अपनी मखलूक के जिस्म से लगने वाले कपड़ों में भी ये ताकत रखी है कि शफा अता फरमा देते हैं। फिर तवज्जो फरमाइए, फिर दौर था ना मूसा अलैहिस्सलाम का, लोगों ने की बिछड़े की परस्तिश 40 दिन, अल्लाह की नाराजगी मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को डांटा, कौम ने कहा जी तौबा करते, अल्लाह ने फरमाया तौबा आसान नहीं, तलवारें लेकर एक दूसरे को कत्ल करो। हमारे मुफस्सरीन लिखते हैं कि 72,000 जब मारे गए, जो कुरान का वाक्य है, अल्लाह ने फरमाया अब तौबा कबूल है,
अब जब बारी आ गई तेरे मेरे आका की, मेरी तरह मुतवज्जे रहे, मेहमान तो आते ही रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की तौबा क्या थी? एक दूसरे को कत्ल करो। जब मेरे आका की बारी आई, मेरा ईमान जो कहता है मेरे आका ने यकीनन कहा होगा, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की तौबा क्या है? कत्ल करना पड़ेगा, कोई और जतन करने पड़ेंगे। मेरा ईमान जो कहता है मेरे रब ने यकीनन कहा होगा, प्यारे वो कलीम था तू हबीब है। कलीम वो होता है जो मेरी रजा चाहता है, हबीब वो होता है जिसकी रजा खुद खुदा चाहता है। तू भी प्यारा है, उम्मत भी प्यारी है, तौबा का स्टाइल भी बड़ा प्यारा है। फरमा वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका, महबूब अगर तेरा उम्मती लग्जिश कर बैठे, कत्ल करने की जरूरत नहीं, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं, जाऊका जहां तू हो तेरे कदमों में आ जाए। माजरत से जाऊ जाऊ इला मक्का नहीं कि मक्के आ जाना, मेरा रब दुनिया को बताना ये जाऊ का कह के बताना ये चाहता है, हमें क्या गर्ज मक्के से, हमें तो यार की निस्बत से गर्ज है। मेरा यार मक्के में हो तो गुलाम मक्के में आए, मेरा यार मदीने में हो गुलाम मदीने में आए, मेरा यार तरफ में हो गुलाम तरफ में आए, मेरा यार बदर में हो गुलाम बदर में आए, जहां मेरा यार हो कदमों में गुलाम आए। फरमा फस्तग़फिरुल्लाह, बंदा अल्लाह से माफी मांगे। मैंने कहा या अल्लाह अगर माफी तुझसे मांगनी थी तो खूड़ा में मांग लेता, लाख रुपया खर्च करके और 3.5 लाख खर्च करके यहां मक्का और मदीना में आने की क्या जरूरत। फरमा आगे पढ़, वस्तग़फर लहुमुर रसूल, मेरा यार सफारिश भी करे। मैंने कहा या अल्लाह फिर क्या होगा? फरमा अल्लाह वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, जरूर भी जरूर खुदा बंदे की तौबा को कबूल कर लेगा। फिर मैं चिश्ती साबरी जौक रखता हूं, कुरान भी हदीस भी अशार भी। उर्दू शायर आया, उसने कहा मुजरिम हो तो मुंह अश्क से धोते हुए आओ, अगर लग्जिश की है गुनाह किया है तो अकड़ के ना बैठ, आंसुओं से वुजू करके आओ। मुजरिम हो तो मुंह अश्क से धोते हुए आओ, अल्लाह के दरबार में रोते हुए आओ। अरे कुरान में मजकूर तौबा का तरीका, आओ तो दरे यार से होते हुए आओ। अगर आना है तो बरास्ता अमेरिका नहीं, आना है तो बरास्ता मदीना आना पड़ेगा। फिर पंजाबी भी पंजाबी है, पंजाबी शहर कहता कर लैन जुलम जदवी कोई अपनिया जाना थे, कर लैन जुलम जदवी कोई अपनिया जाना थे, रब आखे में बख्शांगा औजार दिबू है थे। कर लैन जुलम जदवी कोई अपनिया जाना थे, रब आखे में बख्शांगा औजार दिबू है थे। बेशक मैं गुनाहगार हूं, बेशक मैं सियाकार हूं, पर जानिए गल मेरी सरकार दिबू है थे। फिर आखिरी शेर कलम में कलम तोड़ देता है, कहता है गुनाहगार दी मैयत नू ले जाना मदीने ने, गुनाहगार दी मैयत नू ले जाना मदीने नू, बख्शिश लई रख देना सरकार दिबू है थे। ये शेर पढ़ने का मजा तब है कि अबू बकर सिद्दीक पढ़ रहे हो। तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि जब हजरत सिद्दीक अकबर का वक्त विसाल आया, फरमाया सहाबा की जमात जब मैं मर जाऊं, कफन दे के गुसल दे के जनाजा पढ़ के मेरी मैयत उठा के आका के हुजरे के दरवाजे पे लानी है। और अर्ज करना हुजूर गुलाम हाजिर है, इजाजत मिले तो अंदर दफन करना वरना बाहर जन्नतुल बकी में। गौर फरमाए, मालूम जो होता है कि इस उम्मत में सबसे अफजल नबी के बाद है सिद्दीक अकबर। उनका अकीदा यह है कि हमारे आका अपनी मजार अंदर अनवर में जिंदा ताबिंदा मौजूद है। फिर मैयत उठाने वाले को खूड़ा या नौशहरा के कलमा गो नहीं, मैयत उठाने वाले उम्र फारूक हैं, उस्मान गनी हैं, अली शेर खुदा हैं, अशरा मुबशरा हैं, सहाबा की जमात है, किसी ने इनकार नहीं किया। मैयत को उठाया और मदीने की गलियों में घुमाया। शायर कहता है क्या कहते होंगे, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गली है जरा घूम के निकले। आके हुजरा अनवर के सामने चारपाई को रख दिया गया, अर्ज किया गया हुजूर गुलाम हाजिर है, इजाजत है। हुजरे का दरवाजा बंद था, खुल गया खुद ब खुद, अंदर से आवाज आई अदखिलुल हबीब इलल हबीब, यार को यार से मिला दो। फिर सुनियों के इमाम 40 उलूम के माहिर
हजार किताब के मुसन्निफ जिनकी लाइफ हिस्ट्री पे यूनिवर्सिटियों में पीएचडी हो रही है, इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेली की रूह तड़पी, फरमाते चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ए चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। शायद किसी दोस्त के जहन में ख्याल आए कि यह तो हुजूर के दौर के लिए है। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी बानी दारुल उलूम देवबंद अपनी किताब आबे हयात में लिखते हैं, इस आयत का हुक्म आका के दौर तक नहीं, कोई तख़सीस नहीं आपकी ज़ाहरी हयात की, बल्कि क़यामत तक के लिए है, क्योंकि आप रहमत भी क़यामत तक के लोगों के लिए हैं। और मौलाना जफर अहमद उस्मानी देवबंदी एला सुनन में लिखते हैं, इस आयत का हुक्म क़यामत तक के लिए बाकी है। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब देवबंदी तफसीर मारिफुल कुरान में लिखते हैं कि इस आयत से एक आम ज़ाबता मालूम हो गया कि कोई शख्स हुजूर के दर पे हाजिर हो जाए, हुजूर उसके लिए दुआ मगफरत कर दे, चाहे जारी हयात में आए चाहे रोज़े अनवर पे आए, रब उसकी बख्शिश फरमा देगा। और फिर तफसीर मदारिक उठाएं, तफसीर नशरुद्दीन उठाएं मौला अशरफ अली साहब थानवी की, दोनों में मौजूद है, इला सुनन में भी है। क्या मौजूद है कि एक शख्स मेरे आका के विसाल को 3 दिन गुजर गए, उस वक्त हुजरा अनवर खुला था, मजार कच्ची थी, आता है मजार अनवर की मट्टी उठा के सर पे डालता है और अर्ज करता है, हुजूर अल्लाह ने फरमाया है वलुवन्नो मिज़लमु अनफुसम जाऊ का, लफ्ज़िश कर बैठो मेरे जार के दर पे आ जाओ, हम लफ्ज़िश कर बैठे हैं, आपके दर पे आ गए हैं, अल्लाह से मुझे माफी लेकर दें। दुआ मांगता है और अरबी में शेर पढ़ता है, या खैर मन दफनत बिलकाय आजम हु फताब मिनती बेहन अलकाऊ वल ओकमु नफ्सिल फिदाओ ले कब्रिन अंत साकिन हु फीहिल इफाफो वल जूदो वल करम। जावेद साहब ये खिताब के शेर है, या खैर मन दफनत, ए सबसे बेहतरीन जो जहां दफन हुए हो। और मजे की बात यह है, सऊदी हुकूमत इस किस्म के शेर को मिटाती मिटाती मर गई, लेकिन आज भी मजारे मुस्तफा पे यह शेर मौजूद है कि या खैर मन दफनत, ए सबसे बेहतरीन जो यहां दफन हुए हो, तेरी खुशबू से टीले और घाटियां मुत्तर हो गई हैं, मेरी जान उस मजार पे कुर्बान हो जिसमें आप आराम फरमा हैं। इसमें सखावत भी है, करम भी है और बख्शिश भी है। शायद आप अरबी ना समझे हो तो उर्दू शायर से तर्जमा करा देता हूं। उर्दू शायर कहता है, वो कहता था तेरे आस्तां पे आए तेरी याद खींच लाई, तेरे आस्तां पे आए तेरी याद खींच लाई, रखे खुदा सलामत तेरे दर से आशनाई, कभी मैं जो लड़खड़ाया कभी मैं जो टगमगाया, तेरी मस्ती ये नजर ही मेरे थामने को आई। गया उतबी वहां सो रहा अल्लाह कबली, मेरे आका ख्वाब में आए, फरमा उतबी जा, वो अरबी जा रहा है, उससे कह दे अल्लाह ने तेरे गुनाह को बख्श दिया है। और इमाम कुर्तुबी अपनी तफसीर अल जामे अल कुरान में लिखते हैं कि फनूदिया मिनल कब्र, कि कब्र से आवाज आई, कद गफर लक मिन ज़म्बिका, ओ मेरी मजार पे आने वाले जो अल्लाह ने तेरे गुनाह को बख्श दिया है। फिर मौजम कबीर और मौजम औसत दोनों में मौजूद है कि हजरत अली की मां फातिमा बिनत असद का इंतकाल हुआ, मेरे आका ने अपनी कमीज दी कि इसमें उनको कफन दिया, कमीज पहना दी जाए, चादर दी इसमें कफन दिया जाए। उन्होंने मेरे आका की खिदमत की थी, आका उनकी कब्र में पहले लेटे, फिर फरमाया अब इनको दफन करो, और फिर मेरे आका ने दुआ मांगी, अल्लाहुल्लज़ी युख्शी व युमीत वहुवा हय्युन ला यमूत, अल्लाह वो अल्लाह है जो जिंदा करने वाला है और मारने वाला है, वो जिंदा है।